Guys, welcome back to my channel. So the month of love, February is approaching and मेरे काफी सारे plans हैं like any other year. And I'm sure everyone has their own set of plans. अब देखो planning बहुत सारी होती है from outfit to makeup. So here I am with Valentine appropriate makeup look which is super easy to recreate. And I'm gonna be sharing a step by step tutorial. And जो भी products मैंने use किए हैं ना I got from Amazon. Because under one roof आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, आपको इधर उधर नहीं झाँकना पड़ता. It's a one stop solution. So सबके links होंगे description box में. You can check it out. And now without any further ado, let's quickly get started and let's see how I've created this glossy look. To begin with makeup, it's very important to start with cleanse and moisturize face. So मैंने face को अच्छे से wash करके and moisturize कर दिया है. Next step में मैं use करने वाली हूँ Maybelline Fit Me Dewy Plus Smooth Primer. I was so excited to try this primer क्योंकि इस season में especially मेरी dry skin है तो काफ़ी अच्छे से एक वो luminous effect देता है मेरी skin पे. नेक्स्ट स्टेप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज मैं एज अ स्ट्रोब यूज़ करने वाली हूँ लैक्मे लूमी क्रीम विच इज़ मॉइस्चराइजर विद हाइलाइटर. ये बहुत ही अच्छा एक ड्यूई इफेक्ट देता है आपके ओवरऑल फेस को. डू यू सी द फिनिश आई हैव ऑन माई स्किन राइट आफ्टर यूजिंग दिस? हाई पॉइंट्स ऐसे ग्लो कर रहे हैं, चमक रहे हैं नेचुरली. आई टोल्ड यू दिस हैक यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट आउट. मूव ऑन करते हैं फाउंडेशन पे एंड इसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ लॉरियल पैरिस इनफॉलिबल 24 आवर्स फ्रेश वेयर फाउंडेशन. इसमें मेरा शेड है 140 गोल्डन बेज, दैट इज हाउ इट लुक्स लाइक. सो ऑलवेज यूज सम फाउंडेशन ऑन योर स्किन, दैट्स इट. एंड देन आई होप मैंने ज़्यादा फाउंडेशन ना ले लिया हो. ऑलवेज पुल योर हेयर हेयरलाइन पे अच्छे से फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए, डार्क एरियाज को कंसील करने के लिए और हल्का सा हाई पॉइंट्स पे शाइन ऐड करने के लिए और उनको हाईलाइट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल इनफॉलिबल फुल वेयर कंसीलर एंड सिंधी शेड 312 एम्बर. कंसीलर को अप्लाई करे हुए अभी सिर्फ एक मिनट हुआ है एंड इट हैज स्टार्टेड टू सेटल इन माई क्रीजेस. तो मैं सबसे पहले इसको सेट कर देती हूँ एंड आई एम यूजिंग दिस Maybelline न्यू यॉर्क फिट मी मैट प्लस पॉरलेस कॉम्पैक्ट. सो यू सी मैं हल्के हल्के से ना पूरे फेस को इस तरीके से टैप कर रही हूँ. नाउ अगर आपको मेकअप पसंद है, इफ़ यू आर इन टू मेकअप, तो आई एम श्योर ये डैबिंग टेक्निक से ना आपको प्यार हो जाता है राइट. बिकॉज इससे जो फिनिश आपको मिलती है दैट इज़ वेरी सीमलेस एंड वेरी गुड एक्चुअली. ओके, आईब्रोज के लिए मैंने यूज़ किया है मेबली न्यूयॉर्क फैशन ब्राउ और क्रीम पेंसिल. इट्स इन द शेड डार्क ब्राउन. आई विल हैव एवरीथिंग लिंक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. एंड वाइल टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट्स ना, आई गॉट ऑल ऑफ देम फ्रॉम अमेजोन क्योंकि वन स्टॉप सॉल्यूशन है और ज़्यादा हैसल नहीं होता कि ये चीज़ वहाँ से वो चीज़ वहाँ से. अंडर वन रूफ आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं. इससे पहले हम मूव ऑन करें आई मेकअप पे. मैंने यूज़ किया है ये My Glam का Lit PH Lip Balm. It's in the shade, I will have it linked in the description box below, so make sure you check it out. काफ़ी मॉइस्चराइज हो गए हैं मेरे लिप्स से. ओके, सो फॉर आई मेकअप मैंने बी यूजिंग दिस मेकअप रेवोल्यूशन लंडन पैलेट. इट्स इन द शेड फॉर एवर फ्लॉलेस एल्योर. द पैकेजिंग लुक इट इज सो गॉर्जियस. इनके कलर्स भी ना, इट्स अ मिक्स ऑफ इट. सो अगर आप देखोगे ना मेकअप लुक जो हम करने वाले हैं उसमें आई शेडो बहुत ही मिनिमल यूज़ किया हुआ है. सो आई एम गोना बी यूजिंग जस्ट अ हिंट ऑफ आई शेडो. I just picked up a color which suits my or matches to my skin tone the most. So I've used the hint of color just to set my eyes ताकि जो भी मैं आगे creativity करने वाली हूँ in my case it's gonna be creativity because this is something which I've never tried. So मेरे को लेना है ये, आपको भी चाहिए कुछ इस तरीके का angular brush. And the second product which I'm gonna be using, it's the Sugar Smudge Me Not Lip Duo. Now इसको हमको smudge करना है but I'll tell you how. And it's in the shade 05 Rust Lust. Let's quickly begin. So I have this color on this brush now. Again I'm just gonna create a wing like we normally do. Now I'm gonna create a flick right here. And now since it's a double winged eyeliner, what we're gonna do is I have the same product on this brush. मैं ओवरऑल लुक को बहुत ज़्यादा स्मूथ रखने वाली हूँ लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ जो डबल विंग्ड आईलाइनर है उसको थोड़ा सा और ज़्यादा वाइब्रेंट बनाना है. सो आई एम गोना डू द डबल कोट हियर. नाउ जो भी लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट है ना उससे मैं ओके. सो नाउ अभी क्या हो रहा है, ऊपर वाला जो विंग है वो नीचे वाले से कनेक्टेड नहीं है. सो आई एम जस्ट गोना टेक सम मोर प्रोडक्ट.
That's it. So, हमने यहाँ पे लोअर लैश लाइन वाले कलर को ऊपर से कनेक्ट कर दिया है एंड इट इज लुकिंग सो ब्यूटिफुल. टू क्रिएट अ इल्यूजन ऑफ लाइक यू नो अरेबिक आईज, तो मैं यहाँ पे हल्का सा इनर कॉर्नर से भी कनेक्ट करने वाली हूँ. द मिनट यू एड द कलर टू योर टीयर डक्ट एरिया ना, उससे आपकी आईज ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा बड़ी लगती हैं एंड इट्स अ हैक. मतलब आपको ऐसे नहीं लग रहा ये वीडियो मेकअप लुक से ज्यादा एक हैक वीडियो है जहाँ पे मैं हर एक स्टेप में कुछ ना कुछ नया कर भी रही हूँ. That's it. I think it's quite nice and let's put on some mascara ताकि हमारे जो lashes हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगे and let's see final look कैसा आता है on one eye and then I will move on to the other eye. And for mascara I'm gonna be using the lash lift mascara from Maybelline. They are so good. Like ऐसा लगता है कि Maybelline ने ना PhD कर रखी है when it comes to their mascara. They are the best. Like they have the best formulation. Well, the minute you add this mascara, this is just so good. मतलब आप you know falsies नहीं लगाई हैं वैसा कुछ feel ही नहीं होगा. Nice. Now we will do the other eye and then I will see you once I'm done with the eye makeup. Now अभी आप देखोगे eyes बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं but my entire face is looking very flat and to give some dimension ताकि थोड़ा सा structure add हो, you know there are like cheekbones, सारी चीज़ों को highlight करने के लिए what we use is स्टेप कॉल्ड कॉन्टोर एंड यहाँ से मैं यूज़ करने वाली हूँ शुगर कॉन्टोर डे फोर्स फेस पैलेट 01 सटल समिट इज द शेड एंड आई एम बी यूजिंग दिस ब्रश एंड इसको एक ब्रश पे लेके आई जस्ट क्रिएट अ शेडो ताकि चीक बोन्स थोड़े से डिफाइन हो जाए जॉ थोड़ी सी शार्प हो जाए एंड जॉ को शार्प करने के लिए कम्प्लीटली फॉरगॉट टू एड द प्रोडक्ट हियर ऑल्सो. That's it. Moving on to blush. Okay, so blush के लिए मैं use करने वाली हूँ Calabar Cheek Illusion Blush. It's in the shade 009 Coral Craving. Now with this look, definitely you don't want to go overboard with the you know blush because we already have color on our eyes. So बहुत ज़्यादा subtle ही रखना है. Okay, so मैं एक clean brush लिया है मैंने और इसे जो भी excess product है ना उसको वो थोड़ा सा रिमूव कर दूंगी सो दैट द आइडिया इज़ टू अचीव ग्लास स्किन और वो कैसे होगा बाई यूजिंग अ हाईलाइटर एंड दैट टू अ लिक्विड वन. सो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है एक्चुअली करने वाली हूँ शुगर का ओन द लाइट लिक्विड हाईलाइटर एंड सिंधी शेड 02 डीवा डैजल दैट इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. ओ माई गॉड द ब्लेंडेबिलिटी ऑफ दिस हाईलाइटर इज जस्ट सो स्मूथ. आई हैव इट ऑन अ लिटिल बिट ऑफ इट ऑन माई शोल्डर एंड ऑफकोर्स दिस एरिया इट लुक्स सो गुड. It comes with this dropper and looks so nice. So it's gonna be very nice to even use it on your body, face, anywhere actually. Liquid or cream products ke saath mein hamesha ye hota hai, go slowly, slowly. This is so nice. Okay, now that the face is all सेटल्ड मैं यूज़ करने वाली हूँ लिपस्टिक ऑफ कोर्स. एंड जब भी आपका आई मेकअप बोल्ड होता है ना उसके साथ में हमेशा पेयर करनी चाहिए न्यूड लिप्स या ग्लॉसी लिप्स. ग्लॉस है दिमाग में. लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ दिस लैक्मे एब्सोल्यूट प्रिसिजन लिप पेंट एंड सुपीरियर डेफिनेशन. इट कम्स विद अ ब्रश. आई विल शो यू दिस इज हाउ द क्यूट ब्रश लुक्स लाइक एंड इंटेंस मैट कलर है और इसमें मैंने शेड लिया है सो दैट इज हाउ द इनर पैकेजिंग लुक्स लाइक. और इसमें मैंने शेड लिया है 301 Alluring Nude. This is such a everyday lip color. Oh my god, I love it. Now that the color is done, as mentioned earlier, मुझे ये वाली जो sugar की lip duo है ये काम आने वाला है. And it's the Smudge Me Not Lip Duo. It's in the shade 00 Clear Gloss. So मैं ये use करने वाली हूँ. It comes with this kind of applicator brush. जैसे nail paint भी नहीं होता वैसा सा, but it is soft actually. ओके सो यू सो हाउ इंस्टेंटली मतलब इससे इंस्टेंटली शाइन एंड वो लस्ट्रस लिप्स आपको मिलते हैं. ऑफकोर्स वी वॉन्ट दिस काइंड ऑफ शाइन ऑन आर हेयर ऑन आर स्किन बट ठीक है हाईलाइटर भी काम आ जाएगा. लास्टली यू सेट एवरीथिंग इन प्लेस एंड टू लॉक माई मेकअप आई एम गोना बी यूजिंग मेकअप रेवोल्यूशन दिस फिक्सिंग स्प्रे एंड इवन ऑन वैलेंटाइंस वेन यू आर आउट एंड यू नो लंच के लिए डिनर के लिए सो यू वॉन्ट योर मेकअप टू लास्ट लॉन्ग उसके लिए काफी परफेक्ट है. नाउ आई विल सी यू ऑन दी अदर साइड.
ऑलराइट गाइस, सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो. आई एम श्योर यू रियली लव्ड मी क्रिएटिंग दिस लुक फॉर वैलेंटाइंस. आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो प्ले विद दिस ग्लॉसी लिप्स, डिफरेंट कलर्स, कुछ न्यूड भी कुछ न्यूड कलर्स भी ले सकते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो प्ले विद आई कलर जो मैंने यूज किया है. अभी इन दिस केस ऑफ वैलेंटाइन इट्स सम सॉर्ट ऑफ पिंक एंड रेड, बट यू कैन प्ले विद लाइक यू नो सो मेनी कलर ऑप्शन. एंड इनफैक्ट जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए हैं ना, आई गॉट फ्रॉम अमेज़न, बिकॉज इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर ब्यूटी नीड्स. आपको सारी चीजें अंडर वन रूफ मिल जाता है. आपको परेशान नहीं होना पड़ता कि यहां से लेना है वहां से लेना है. ऑलवेज सारे प्रोडक्ट्स के लिंक होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो यू कैन चेक इट आउट. एंड यस, लेट मी नो आपके वैलेंटाइन के प्लान्स क्या हैं, क्या पहन रहे हो फैशन में, ब्यूटी में, क्या मेकअप वगैरह कर रहे हो, है ना, बताना कमेंट सेक्शन में, मजा आएगा. आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट मंथ. टिल देन खुद के खाने की कुछ से प्यार करिए. ये वाला मेकअप लुक आपको कैसा लगा कमेंट्स में मेंशन करिए. और ये भी याद रखिए, आई लव यू ऑल सो मच. बाय. ग्लॉस है.